हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो टॉम सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन की। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आप लोगों का ये दोस्त पेपर है, जो आप लोगों का पिछले सेमेस्टर में एग्जाम जो आप फिफ्थ सेमेस्टर का हुआ था स्टूडेंट का, उनका ही ये एग्जाम पेपर है। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम पेपर आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, तो बात कर लेते हैं, आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के साथ हायर पेयर और जो आपका लोअर पेयर है के बीच में अंतर लिखिए। आपका ये क्वेश्चन 5 नंबर पर पूछा गया और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, आपका हायर पेयर और लोअर पेयर क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें दोस्त आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है, या तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा हायर पेयर और लोअर पेयर क्या होता है, या फिर इस तरह से आपसे पूछ लेगा हायर पेयर और लोअर पेयर में डिफरेंस बताइए। दोस्त वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर वीडियो को लेकर लास्ट तक पूरा आप नहीं देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्त सेकंड नंबर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 की बाका मशीनों के संतुलन के महत्व को बताइए। जो मशीन का जो संतुलन है, मशीन का संतुलन क्यों किया जाता है और इसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो लगातार आप लोगों को मिलते रहें। अब बात कर लेते हैं दोस्त आपका जो क्वेश्चन नंबर प्रश्न का तीसरा दिया गया हुआ है, कंपनों को वर्गीकृत करते हुए और प्रत्येक को क्या करना है आपको संक्षिप्त में बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये आपके क्वेश्चन आने वाला है। कंपन का जो आप है आपको बताना है, इसका पहले क्लासिफिकेशन आपका करना, फिर आपको वन बाय वन करके इनके प्रकार को थोड़ा संक्षिप्त में बताना है। ठीक है, दो दो चार चार लाइन लिख के। मैं एक बात फिर आपसे कहना चाहूँगा, जिनमें डायग्राम है डायग्राम पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा, टॉप 25 क्वेश्चन का जो हमने खुद से बनाकर आपको बताए, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं टॉप 25 उससे लगभग पूरा आपका पेपर फंस जाता है। तो इस बार भी आपका वही होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हुआ है सेकेंड की, उसकी बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 का। दोस्त अगर आप यही भी वीडियो पूरा देख लेते हैं ना, तो आपका 20 से 25 नंबर तो इस वीडियो से ही पक्का हो जाए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पुनः रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, अगर दोस्त आप लोग और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एक तंत्र के व्युत्क्रमों पर चर्चा करें, किसी एक को उदाहरण सहित समझाइए। कहने का मतलब आपका जो तंत्र है और व्युत्क्रम है, जो आपका इन्वर्जन है दोस्त, ठीक है, इन्वर्जन, उसको ही व्युत्क्रम से बोलते हैं। तो इसी में आपको चर्चा करनी, और 5 नंबर पर इससे सरल टॉम पर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर आपके इसको आपको इसके पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट की दोस्त पीडीएफ चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर की, तो आपको ओनली 50 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए और पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ओनली आपको 250 पे करना है। जो हमारे पहले 20 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट जो ज्वाइन हमसे कर रहे हैं, सिर्फ ये उनके लिए ही ऑफर है। ठीक है, बाद में आपका जो ऑफर है हट जाएगा, 300 रुपीज़ में आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिलने वाले हैं। तो फटाफट से देरी मत कीजिए, अभी जाकर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्त आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया हुआ है उसकी बात करें, तंत्र के विश्लेषण और तंत्र के संश्लेषण में अंतर क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तंत्र का जो आपका विश्लेषण है, तंत्र का जो संश्लेषण है, इन दोनों में अंतर क्या है, आपको अंतर बताना है। या फिर कभी कभी आपसे यही पूछ लेगा केवल जो आपका तंत्र का विश्लेषण और संश्लेषण क्या होता है, ये आपको बताना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन आंसर्स के आपको दोस्त जो क्वेश्चन है आपको इनके आपके आंसर नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे उसमें क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं। बात करते हैं दोस्त आपका जो दूसरे का 7 नंबर उसकी बात करें, 4 बार तंत्र के गतिज विश्लेषण की प्रक्रिया को व्याख्या करें। तो कहने का मतलब जो आपका 4 बार यंत्र, या आपका दोस्त 4 बार मैकेनिज्म है। पिछले ईयर का पूरा थ्योरेटिकल पेपर था और इतना इजी पेपर आया था ना दोस्त, हो सकता है इस बार भी आप लोगों का ऐसा ही पेपर आ जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि आपके 35 से 40 नंबर आसानी से आ जाए। आपकी अच्छी प्रिपरेशन तभी होगी जब हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता रखे हैं वही पेपर पर आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 3 की। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, प्रश्न नंबर आपका जो 3 दिया गया है तीसरे का, गतिबल विश्लेषण क्यों आवश्यक है। तो आपको बताना है गतिबल जो आपका विश्लेषण है क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट दे रहा है, एक पिस्टन के वेग और त्वरण
के लिए विश्लेषणात्मक विधि दें। कहने का मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका डेरिवेशन है, ठीक है। तो डेरिवेशन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, काफ़ी सारे आपके डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको और भी सब्जेक्टों के मॉडल पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं आपका जो सा नंबर क्वेश्चन दिया प्रश्न नंबर तीसरे का, स्लाइडर क्रैंक तंत्र के गतिशील विश्लेषण की व्याख्या करना। जो आपका स्लाइडर क्रैंक का जो तंत्र है उसकी क्या करना है आपको, गतिशील जो उसका विश्लेषण है उसकी क्या करना है दोस्त, आपको व्याख्या करना है, व्याख्या करके बताना है। अब बात कर लेते हैं दोस्त आपका जो चार नंबर क्वेश्चन है, इसमें बात करते हैं फ्लैट बेल्ट ड्राइव पर वी बेल्ट के मुख्य फायदे और नुकसान वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बेल्ट ड्राइव फिफ्थ चैप्टर है पावर ट्रांसमिशन वाला, उससे ये क्वेश्चन उठाए गए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा बता दूँ, जो आपका टॉम हो गया दोस्त और आपका जो मशीन डिज़ाइन है MD, इनमें बहुत ही ज़्यादा बैकें आती हैं, तो इनके कोर्स आप ज़रूर बाई कीजिएगा ताकि आप लोगों की बैक ना, अगर आपकी एक भी बैक आती है तो फिर आप लोग क्या करते हैं, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते हैं, उसमें आप लोगों के 500 रुपये तक चले जाते हैं और फिर भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इससे अच्छा यही कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ओनली 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, बस आपके पास होने की गारंटी पूरी फुल है। बात करते हैं दोस्त आपका जो प्रश्न नंबर चार का दूसरा दिया गया है, वेग अनुपात को परिभाषित कीजिए, बेल्ट और पुली के बीच जो आपका स्लिप के लिए एक्सपेंशन है वो लिखिए। कहने का मतलब जो आपका वेग अनुपात है उसको आपको उसकी डिफिनेशन देना है, उसके बाद जो बेल्ट और पुली के बीच में जो स्लिप होती है उसके लिए इसका जो डायग्राम है, मतलब कि इसका जो डेरिवेशन है वो आपको बताना है। अब बात कर लेते हैं दोस्त आपका दिया गया है गियर के संबंध में कोई 5 परिभाषा लिखिए। अब इतना सरल पूछ लिया दोस्त इसने गियर के संबंध में, आपके जो गियर है क्लासिफिकेशन है कई सारे गियर, उनमें से किन्हीं 5 गियर की आपको डेफिनेशन लिख देनी है, तो कितना ईजी है। अगर आपसे कोई पर्टिकुलर एक के लिए पूछ देता तो प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता वो आपको आता है नहीं आता है, लेकिन जब ऐसे ही एग्जामिनर पूछे दे रहा है गियर के संबंध में कोई 5 परिभाषा लिखिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त आपका जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लें, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं एक बार फिर से दोस्त आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट ने कोर्स को ज्वाइन कर लिया उनकी प्रिपरेशन क्या है स्टार्ट भी हो गई और वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट से ज्वाइन कर लें, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के आके फ्लाई व्हील का वर्णन कीजिए और उसके उपयोग बताइए। तो आपका जो फ्लाई व्हील है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में दोस्त गतिपाल पहिया भी कहते हैं, इसका आपको वर्णन करना है और इसके उपयोग बताना है। जब भी आपसे फ्लाई व्हील का पूछा जाए क्वेश्चन बोलेगा तो उसमें आपको एक डेरिवेशन का फ्लाई व्हील का जो होता है वो 100% करना है। अब जिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको डेरिवेशन पता ही नहीं कि फ्लाई व्हील में कौन सा डेरिवेशन करना है, तो केवल आप फ्लाई व्हील के बारे में लिख देंगे और इसके उपयोग लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर की जगह पर 2 नंबर पकड़ा देगा। फिर बोलते हैं कि सर मेरे नंबर कम आते हैं, मैंने तो सब कुछ करके आया था। तो यार जब विधिवत आप करेंगे 1x1 तभी तो अक्स आपको पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसके साथ आपको एक डेरिवेशन जरूर करना है, वो कौन सा डेरिवेशन है, जो स्टूडेंट हमारे हैं उन्होंने नोट्स को ज्वाइन किया उनको पता चल गया है अब तक, ठीक है। तो आप भी फटाफट से नोट्स को ज्वाइन कीजिए और आपको भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, बाकी निम्नलिखित में से कैम शब्दावली को परिभाषित करें। तो जो आपकी कैम शब्दावली है इसको परिभाषित करें, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कैम तथा फॉलोअर क्या है आप इनको बताइए तथा इनका वर्गीकरण कीजिए। हो सकता है कैम और फॉलोअर का आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ ले, वैसे न्यूमेरिकल दोस्त पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, ठीक है। बेस सर्कल, कैम प्रोफाइल, लिफ्ट एंगल और आपका एंगल ऑफ सर्ट, उसके बाद एंगल ऑफ डिसर्ट डेवल, ये आपको इनके इसमें क्या आपको परिभाषा इनकी देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 का दोस्त, दो सा नंबर दिया गया है, एक समान त्वरण के साथ कैंप का विस्थापन आरेख समझाइए। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, एक समान त्वरण के साथ कैंप का एक विस्थापन आरेख खींचे, तो इसका विस्थापन आरेख खींचने की आपको पूरा इसमें न्यूमेरिकल नहीं करना है, लेकिन न्यूमेरिकल का जो पूरा प्रोसेस होता है पूरा वही करना है, इसमें आपको इसकी थ्योरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 100% आपका बोर्ड एग्जाम पर 5 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा जिन स्टूडेंट अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किया कोर्स को ज्वाइन कर लें, एक सब्जेक्ट के लिए आपको केवल 50 रुपीज़ पे करने होंगे और ऑल सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 6 सब्जेक्टों के लिए 250 पे करने होंगे। फिर आप लोगों की जब बैक आ जाती तो आप लोग 500 रुपये एक सब्जेक्ट के लिए पे कर देते हैं, पर अभी आप लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे कर रहे हैं तो कोर्स को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट होने वाला है। दोस्त मिलते हैं एक और मॉडल पेपर के साथ।